शांत ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों, घने जंगलों, घाटी और नदी झरनों के साथ सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। हरियाली से घिरे भारत के इस छोटे से राज्य की प्राकृतिक सौंदर्यता का कोई जवाब नहीं, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की आजादी के सालों बाद ही सिक्किम भारत का हिस्सा बन सका था? दोस्तों, आइए इस शानदार पहाड़ी राज्य से जुड़ी कुछ मजेदार बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, जिसे लैंड ऑफ मॉनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और ये सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है। गैंगटॉक को भारत के सुंदर शहरों में से एक माना जाता है, और प्रकृति के वरदान से भरी यह जादुई जगह हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित है। इसकी ताजी हवा, वन, पहाड़, घाटियां और बर्फ से ढकी चोटियां आपके मन को बहुत राहत पहुंचाएंगी। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए गैंगटॉक बहुत ही खास जगह है। अगर आप गैंगटॉक घूमने का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो इस शहर को पैदल घूमें। सिक्किम निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। हिमालय के बेहद लुभावने दृश्यों को देखने के लिए यहाँ साल भर देश विदेश से पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है, और ये तमाम प्रकृति प्रेमियों को बाहें फैलाए आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। सिक्किम में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह है, जैसे स्मृति लेक, स्मोगो लेक, युमथांग वैली, युकसोम, नाथुला पास, गैंगटॉक, पेलिंग, लाचुंग आदि। आप यहां राफ्टिंग और ट्रेकिंग जैसे एडवेंचर्स का भी मजा ले सकते हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहां की सुंदरता में चार चांद लगाती है। सिक्किम देश के उन चुनिंदा जगहों में से है जहां हमेशा बर्फ गिरती रहती है। आप अगर बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो छुट्टियों में सिक्किम घूमाइए। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के स्थानीय लोग अलग देश के मूल निवासी हैं। मूल रूप से नेपाली लोग इस राज्य में काफी मात्रा में हैं। यहाँ कई जाति के लोगों के रहने के कारण भाषाएं भी कई बोली जाती हैं। पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प में सिक्किम की अपनी एक खास जगह है। यहाँ पर पाई जाने वाली ठाका पेंटिंग पूरे विश्व में मशहूर है, जो बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई है। सिक्किम में हमेशा तापमान काफी कम रहता है, हालांकि इसके बावजूद यहाँ गर्म पानी के स्रोत बहुत हैं। इसमें नहाकर आप नेचुरल स्पा का मजा ले सकते हैं और खुद को तरोताजा कर सकते हैं। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों की देखरेख एक अलग ही मंत्रालय करती है। अगर आप भारत में रेड पांडा देखना चाहते हैं, तो सिक्किम जाइए। रेड पांडा यहां का राज्य पशु है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या 6 लाख के करीब है, जिसमें 50% पुरुष और 50% महिलाएं शामिल हैं। जिस तरह आप सिक्किम में प्राकृतिक खूबसूरती को निहार सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों को भी देख सकते हैं। यहाँ के मौसम की वजह से ये जगह पक्षियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ पक्षियों के करीब 552 प्रजातियां मिलती हैं। सिक्किम की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है। भारत में इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन सिक्किम में होता है। इसके अलावा पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप कभी सिक्किम घूमने गए हो? मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।